صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. अब मैं बराह रास्त आशीष भाई को दावत देता हूँ कि वो आज के मौजू पर रोशनी डाले। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा लाउड थोड़ा सा। मेरा नाम आशीष है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ और 2 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मेरी लाइफ के 3 फेजेज हैं जिसकी वजह से मैं आज इस्लाम में हूँ। पहला फेज़ तो वो है जब रिलीजन से रिलेटेड सवाल मेरे जहन में उठने स्टार्ट हुए थे और आपको हैरानी होगी कि वो बहुत छोटी उम्र थी जब मैंने अपनी अकल पर ज़ोर डालकर सवालों को सोचना शुरू कर दिया था कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। दूसरा फेज़ वो है जब इस्लाम के बारे में मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी और तीसरा फेज़ वो है जब मैं इस्लाम में आ चुका था तो अपनी मुस्लिम लाइफ मैंने जीना शुरू किया। एक चीज़ और जो टॉपिक था मैं उस पर थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि माय लाइफ बिफोर एंड आफ्टर इस्लाम, ये था टॉपिक। दूसरा टॉपिक होना चाहिए था माय लाइफ बिफोर एंड इन इस्लाम, ये होना चाहिए। आफ्टर इस्लाम तो हेयर आफ्टर ही होगी इंशाल्लाह। ये भी है। मैं 5 साल का हूँगा, 5 साल का हूँगा जब मैंने हिंदुइज़्म के रीति रिवाज देखना शुरू कर दिया और मैं हरिजन फैमिली से बिलोंग करता था तो आपको पता ही होगा हिंदुइज़्म में सबसे निचली कास्ट होती है हिंदुइज़्म। उस कास्ट में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा गलबा है लोगों के अंदर, मीन्स पूरी तरह से वो लोग उस चीज़ का शिकार है। बस किसी ना किसी तरीके से लोग अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं दैट हम लोग बहुत अच्छे हैं और लेकिन सोसाइटी में जो मेन सोसाइटी है वहाँ पर उनको वो हक हासिल नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो जाता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं बहुत निचली कास्ट से बिलोंग करते हैं। मैं 5 साल का हूँगा जब मेरा एडमिशन अलीगढ़ का स्कूल है हिंद कारमेल अकेडमी वहाँ पर कराया। वहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त बने वो सब मुस्लिम थे और उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छी दोस्ती हुई और स्कूल लाइफ चल रही थी। उनका हमारे घर पे फिर आना जाना हुआ फर्स्ट सेकेंड ईयर क्लास में। तो उसके बाद दोस्तों का मेरे घर पे आना जाना स्टार्ट हुआ, मैं उनको पहले एक बार घर पर लेकर आया। तो जब मैं घर पे लेके आया तो मम्मी को थोड़ा सा एतराज़ हुआ, मुसलमान हैं आप, उनको यहाँ पे घर पे कैसे लें। वो इस वजह से नहीं कि वो मुस्लिम हैं, इसलिए बिकॉज हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे ऑलरेडी। हम ये हक भी नहीं रखते कि किसी अच्छी सोसाइटी वाले को अपने घर पर लेकर आएं और वो देखें हमारे माहौल को, देखें तो बड़ा उन्हें अजीब लगे कि यार कैसे लोग हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ ना आए। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद हमने उनके घर पर जाना शुरू किया। तो एक चीज़ होती थी जब मैं स्कूल जाता था तो देखता था कि अजान हो रही है, सब लोग मस्जिद की तरफ भागे दौड़ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती थी।
क्योंकि हमारे यहाँ भी एक मंदिर है, वहाँ पर जब आरती वगैरह के लिए जो शंख वगैरह बजते हैं कुछ दो चार लोग होते हैं जो करते हैं चले जाते हैं, उधर कोई ऐसा नहीं होता कि भाई चलिए पूजा का वक्त हो गया चल रहे हैं। देख अपनी मर्ज़ी से पूजा करना, अपनी मर्ज़ी से जब चाहे जब अगरबत्ती दिखा देना, और कोई उनका कोई प्रोसेस नहीं होता था। एक घर में देखो तो अलग तरीके से पूजा हो रही है, दूसरे घर में देखो तो वो अलग तरीके से कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता था कि ये तरीका अलग अलग क्यों है। फिर हमारे घर में शेरावाली माता रखी हुई हैं, तो किसी के यहाँ बीच में शंकर भगवान रखे हुए हैं, किसी के यहाँ हनुमान जी रखे हुए हैं, समझ में नहीं आता था कि भगवान है कि क्या है ये, जिसका मर्जी आता है उसको सेंटर दे देता है, बाकी सब साइड में रहते हैं। तो ये बचपन का बता रहा हूँ मैं, जब मतलब 5 या 6-7 साल की उम्र में बच्चे को तो इस बारे में सोचने का जहन भी नहीं होता, लेकिन मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर ये हुआ कि मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं उनके यहाँ मेरा आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया था, खेलने जाता था मैं उनके पास, वो जो लोग थे मोहल्ले के, तो उन्होंने एक सवाल किया कि आपका बच्चा बहुत जाता है उधर, और मुस्लिम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ख्याल रखा करिए आप। तो मेरी अम्मी ने मुझसे बोला बेटा उनके यहाँ मत जाया करो, पता है वो क्या करते हैं कि चोरी वोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर फंसा देते हैं, तो इस तरह से मत किया करो। मैंने कहा वही क्यों करते हैं, मतलब और कोई तो करते हैं, नहीं बेटा मुसलमान ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नहीं पता। मुझे कहीं से लगा, मैंने कहा यार कभी तो मैंने फील नहीं किया ऐसा कि ऐसा कर सकते हैं। फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, तो मैंने तो छोड़ दिया जाना, लेकिन उनका आना रहा हमेशा और कॉन्टेक्ट में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तरह तरह के रीति रिवाज देखने को मिले, नवरात्रे आते थे तो नवरात्रे में मैं देखता था कि मेरे यहाँ एक अलग प्रोसेस होता था पूजने का, व्रत रखने का अलग प्रोसेस होता था, और दूसरे के यहाँ देखते थे तो उनके यहाँ एक अलग प्रोसेस होता था। तो ये सब देख के बड़ा अजीब लगता था कि यार हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। चाहता भी था कि मैं कहीं ना कहीं अपने अम्मी अबू से सवाल करूँ, लेकिन एक डर सा बैठा देते हैं कि ये सवाल अगर किए ना तो नाराज़ हो जाएंगे ये और बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरा। ये चीज़ भी रही। फिर 6th क्लास के बाद, 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था ज़ाकिर हुसैन में, ज़ाकिर हुसैन में। वहाँ पर मेरे दिल में वाकई में मुस्लिम्स के लिए नफ़रत सी पैदा हो गई थी। क्यों? क्यों? बिकॉज मैं जब 6th क्लास में गया उधर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो मुस्लिम बच्चे थे वो मुझे परेशान कर देते सिर्फ इस वजह से क्योंकि बिकॉज मैं हिंदू हूँ। ये चीज़ थी। मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोचने लगा कि यार मेरे मोहम्मद सही कहते थे, उनकी बात सही थी कि है ऐसा, और मेरी लड़ाइयाँ भी हुई। तो मुझे ये सिखाया गया था कि देखो बेटा कभी पिटना मत, चाहे कोई कितने भी हो भिड़ जाना बस तुम, तो वो एटीट्यूड भी रहा, तो लड़ाई में मैं भी पीछे नहीं हटा। लेकिन ये होता था, मुझे मालूम पड़ता था कि भैया हिंदू है, हम लोग मुसलमान हैं, हम अपने भाइयों का साथ देंगे, बच्चों के अंदर ये बात थी। तो वो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, बहुत लड़ाइयाँ हुई, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, बहुत सारी वजह भी रही। उसके बाद मैं गया अनूप शहर में, मैंने एक LDAV इंटर कॉलेज करके स्कूल है, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पर मैंने एक अजीब सोसाइटी देखी, हाई कास्ट हिंदू सब थे उधर, वहाँ पे उनका एक अलग रवैया था। वहाँ पे देखता था कि जो हरिजन कास्ट होती है वो सिर्फ सफाई के लिए बनी हुई है, वहाँ पर उन्होंने बस सफाई करना है और कुछ नहीं। इवन जब वो नकाब बांध के जाते थे सुबह सुबह सफाई करने के लिए, और शाम में जब सोसाइटी जब निकलते थे बाजारों में तब निकलते थे मुझको लेकर, और ये अपने आप को प्रिटेंड कराते थे कि हम बहुत हाई कास्ट टाइप लोग हैं, लेकिन कभी किसी को जाहिर नहीं होने देते कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। 8th क्लास में मैंने ट्यूशन लिया, एक भटनागर नाम था टीचर का, तो मैं उनके साथ गया पढ़ाई के लिए, ट्यूशन्स के लिए। तो ये हुआ कि एक बार मैं उनके बेड पर बैठ गया, बेड पर बैठा और वो आई अचानक से, तो उन्होंने देखा अरे अरे यहाँ पे कैसे बैठो, ये तुम्हारे बैठने की जगह है, कुर्सी पे बैठाया मुझे।
बड़ा एहसास हुआ, मैंने कहा यार मतलब ये क्या तरीका है, हम इंसान नहीं है क्या, मतलब सिर्फ बैठा ही तो था, मैंने कौन सी गलती कर दी थी उनका जो इस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया। फिर वहाँ से मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है, इस छोटी कास्ट में भेजा है तो क्यों भेजा है, क्या ईश्वर का ही बनाया हुआ निज़ाम है ये सब इस कैटेगरी से डिवाइड होंगे और किसी को इतना हक हासिल होगा कि वो मुझे इस तरह से जलील करे और मुझे जलील हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के। लेकिन कोई सवाल नहीं उठा, कोई किसी से जाहिर नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th कर चुका था, फिर मैंने 11th क्लास में अलीगढ़ आना पसंद किया। अलीगढ़ आकर मैंने इकरा पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया। ये एक तीसरी चीज़ हुई, तीसरी बार मैं मुस्लिम लोगों के बीच में दोबारा आ गया। तो अब जब मैंने देखा वहाँ का माहौल, तो आप यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे, जो लोग मैंने वहाँ देखे थे ना हिंदू, कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर उनका बहुत ज़बरदस्त था, कैरेक्टर वाइज जो मुस्लिम हिंदू बच्चे थे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं कहूँ कि यार लड़के ऐसे भी होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि मुस्लिम लड़कों की क्या हालत है। आप यकीन मानिए हिंदू फैमिली में मैं सबसे बेहतरीन कैरेक्टर का इंसान फील करता था उनके बीच में, याद था। 11th क्लास के लड़के ऐसा कोई काम नहीं थे जो वो ना करते हो, गलत काम, लड़कियों को छेड़ना, गाली गलौज से करके बात करना, एक दूसरे से लड़ना, ये उनके काम थे। ये मैंने कभी अनुपशहर में जहाँ पे मैं पढ़ता था मैंने नहीं देखा। फिर मैं देखता था, मैं बड़ा हैरान होता था, मैंने कहा बताइए वाकई हम मुसलमान सच में ये सब चीज़ें होती हैं मुसलमानों के अंदर, ये भी है। वहाँ पे कुछ टीचर थे मुस्लिम, तो उनसे जब मैं मतलब सलाम वगैरह करता था तो बड़े एरोगेंट थे, उनका रवैया कुछ ऐसा नहीं रहता था, नरम दिल वाला, मुझे उनसे फील होता था कि यार मैं हिंदू हूँ इस वजह से शायद ऐसा कर रहा हूँ, ये है शायद। एक बार मेरे दोस्तों से बात हो रही थी तो वो बोले इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम जो है वो ऐसा रिलीजन है वैसा रिलीजन है, बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, बोले तुम इस्लाम को भूल करो। मैंने उनसे एक बात कही थी, मैंने कहा एक बात कह रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारे अंदर मुझे इस्लाम दिख गया और एक शख्स मुझे खड़ा करके दिखा दोगे कि ये वाकई में वो चीज़ें फॉलो कर रहा है जो जिसकी तुम दावत दे रहे हो मुझे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। इस वक्त मैं तुमसे बेहतर किरदार का इंसान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है रिलीजन फॉलो करने का, अपना छोड़ो, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, दिखाओ तो सही जो जिस रिलीजन की तुम बात कर। तो शायद अल्लाह को यही बात हो गई, तो उन्होंने फिर मेरे जहन खोलना स्टार्ट कर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर होता है अगर जब फंक्शंस होते हैं, तो उसमें मेरे एक दोस्त की मुलाकात हुई, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किरदार, फर्स्ट टाइम मैं मिला, उनसे मेरी बातें हुई और दोस्ती बढ़ी। तो उन्होंने कभी इस तरह का मुझे एहसास नहीं कराया कि वो मुझे चेंज करना चाहते हैं या कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने रिलीजन में, बस उनका ये था कि एक अच्छा नेचर दिखाया और सारी चीज़ें बताते रहे इस्लाम के बारे में। मैं उनको बताता था, मैं सच बात बताऊँ मेरी कोई स्टडी नहीं थी हिंदुइज़्म के ऊपर, मैं सिर्फ फिलोसफिकल बात कहता था और फिलॉसफी इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि उसका रियलिटी से कोई पढ़ लेना देना नहीं, बोला ये होता है। और वाकई में लोग यही करते हैं, जो इस्लाम के अलावा जो और रिलीजन के जो लोग होते हैं वो फिलॉसफी को ज़्यादा बोलते हैं। आप किसी से बात करें तो बोलेंगे कि क्यों इस्लाम, क्यों धर्म के पीछे पड़ रहे हो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसानियत को मानो और फिर इंसानियत के इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिखा देंगे कि बस पूछिए। तो वो वाला मेरा भी था, मैं भी उन्हें एक अच्छी बात बता देते, मैं चार उन्हें अच्छी बात बता देता था, उससे भी बड़ी बड़ी ये देखिए इस तरह से होता है। कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों का एक्सेप्ट भी करता था जो बताते थे, मैं उनका एक्सेप्ट भी करता था, मैंने एक्सेप्ट की। फिर कुछ सवाल जहन में उठे, मैंने कहा ये इन सवालों का जवाब दीजिए आप, जो भी सवाल थे मेरे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मेरे पास जवाब तो नहीं है लेकिन एक हैं डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब, आप मैंने कहा मैंने सुना है उनके बारे में, बहुत हिंदू लोग बात करते हैं उन्होंने, और मेरे अब्बा तो देखते भी हैं, देखते हैं वो रिलीजन के बारे में बहुत
मतलब वेदों से हवाले ऐसे कूट करते हैं मशीन गन की तरह सीधे और धड़ल्ले से बोलते चले जाते ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वेदों को और पुराणों को लिया पानी में घोला और पी के पी लिया ऐसा लगता है मतलब वो लगता है। और हम लोगों के यहाँ जो गुरु वगैरह जो होते हैं वो जो आपने देखा होगा संस्कार वगैरह आस्था चैनल पर जब लगाते हैं तो आप देखते हैं वेदों से कोई चीज़ कोट नहीं कर रही उनको शायद याद भी नहीं है। और मैं देखता था मैंने कहा एक मुसलमान दाढ़ी वाला वो इस तरह से वेदों को इतनी अच्छी तरीके से बता रहा है पुराणों को बता रहा है क्या क्या गजब आदमी है बहुत ज़बरदस्त। जब अपने गुरुओं को देखता था मैंने कहा क्या बता रहे हैं मुझे यही समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक है। फिर मैंने उनका डॉक्टर जाके ना उनके पास बहुत सारा मटेरियल था तो मैंने उनसे लिया उन्होंने मुझे पहली जो डीवीडी मैंने उनके पास से चूज़ की थी वो थी कुरान एंड द मॉडर्न साइंस वो जब मैंने देखना शुरू किया आप यकीन मानिए जो जहन मेरा बनाया हुआ था कि रिलीजन और साइंस कभी एक नहीं हो सकते रिलीजन इधर जा रहा तो साइंस इधर जाएगी और साइंस असल चीज़ है क्यों क्योंकि वो अपने आप को प्रूफ करके बताती है और हर सवाल का जवाब देती है साइंस कि इस दुनिया में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं क्या है इसका रीज़न क्या है ये साइंस है। और रिलीजन क्या है रिलीजन ये है कि आप अपनी अकल मत दौड़ाइए उसमें जो चीज़ दिख रही है वो मान लीजिए। एक बार तो ये हुआ था कि हनुमान जी ने बहुत पावरफुल वो हैं भगवान हिंदुज़म के तो वो पहाड़ उठा लेते थे बहुत फाइटिंग वगैरह उनकी बहुत ज़बरदस्त रहती थी उनके साथ। वहीं फिर मैंने हॉलीवुड मूवीज का बहुत शौक रहा मैंने हल्क को भी देखा मैंने हनुमान जी से अच्छे तो हल्क है कितनी मतलब लगता है वो तो हनुमान जी तो कब थे आज के देखो तोपे हैं ये सारी चीज़ें हैं इनको तोड़ फोड़ मचा रहा है इससे बेहतर तो ये है इनको क्यों नहीं पूछते हैं इनको हनुमान जी बना लो ये चीज़ें होती थी ये एपिक थी। ये चीज़ हुई कि मैं मतलब रिलीजन अलग चीज़ है उसको तो दिमाग ही मत दौड़ाओ वो कुछ नहीं कर पाएगा और साइंस अलग चीज़ है साइंस कहीं ना कहीं इफेक्टिव है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लोग बहुत हिंदुज़म में बहुत सारे लोग रिलीजन को जस्ट ऐसे ही लेते हैं लाइटली लेते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता लेकिन साइंस को बहुत लॉजिकली लेते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो जाने वाले लोग हैं वो हिंदू लोग हैं। आप देखिए नासा वगैरह में आप देखेंगे तो आई थिंक 33% शायद वो हैं इंडियन से और उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो हिंदू लोग साइंस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। और आप ज़्यादा ले लीजिए अलीगढ़ में जो हिंदू लोग हैं वो कितने इतनी डीपली स्टडी करते हैं और कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए वो रिलीजन उस तरीके से मायने भी नहीं रखता चाहे वो किसी भी कास्ट का हो किसी भी उसका। फिर मैंने जब वो डीवीडी देखी डॉक्टर जाकिर नायक की कुरान एंड द मॉडर्न साइंस मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो स्टडी मैं कर रहा हूँ उसके बारे में रिलीजन कैसे मिल सकता है। और आज की बात तो नहीं है 1400 साल पहले जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट जहाँ पे रहने वाले लोगों को रेगिस्तान के अलावा कुछ दिखता नहीं ऊँटों के अलावा कुछ दिखता नहीं वो इतनी साइंटिफिक किताब उधर नाजिल हुई जो इस तरह से सारी सवालों का जवाब दे रही है। ये चीज़ें तो मैं आज देख रहा हूँ आज मैं इनके बारे में जान रहा हूँ मैं जब अपनी साइंस की किताब ढूंढता हूँ देखता हूँ और उसमें जो भी थ्योरीज हैं जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं अगर मैं देखूँगा कब स्टार्ट हुए तो देखूँगा कई बार 100 साल पहले 200 साल पहले बस 1400 साल पहले का इंसान के बारे में तो मुझे ये लगता है आदिवासी होगा उसको क्या इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज। मैंने उस दिन अपने घर पे बोला कि देखिए रिलीजन मैं ऐसा चाहता हूँ जो मेरी स्टडी के साथ चले ये ना हो कि स्टडी मेरी अलग जा रही है और रिलीजन अलग बात कर रहा है नहीं और इस्लाम मुझे ऐसा रिलीजन लगा सिर्फ एक डीवीडी के पेज पे और मैंने ये बोल दिया इसके कंपैरिजन में इसके कंपैटिबल कोई भी अगर रिलीजन मिला तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा वरना मैं इस्लाम को कबूल करने वाला हूँ ये मैंने फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया हिंदुइज्म उनकी एक और डीवीडी।
तीसरी डिग्री, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। फिर खुद सेल्फ स्टडी करने के बाद मैंने कम से कम 7 महीने स्टडी की, 7 से 8 महीने स्टडी की, सारे जो मिसकंसेप्शन थे इस्लाम को लेकर वो सब दूर हो गए। ये भी दूर हो गया कि मुझे मुसलमानों को नहीं देखना, मुझे इस्लाम को देखना है। और जो शक्ल मैंने देखी 6-7 महीने में वो ऐसी थी कि बस अगर किसी के सामने अगर वो असल में चीज़ आ जाए ना, तो ये समझ लीजिए पूरी दुनिया बिना सोचे समझे इस्लाम में आ जाएगी। अभी मैं मुसलमानों से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था 6-7 महीनों में, मैं सिर्फ लेक्चर्स देख रहा था और सेल्फ स्टडी कर रहा था, ये सारी चीज़ें थी। तो जब मैंने वो देखा इस्लाम की जो शक्ल थी ना, बस ये समझ लीजिए कि मैं कायल हो गया था उस चीज़ का। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं देख रहा था, कह रहा था बस यही है जो भी है, कोई कास्ट का सिस्टम नहीं, कोई जहेज सिस्टम नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इलॉजिकल हो, सारी चीज़ों का रीज़न मौजूद है, सारी चीज़ को एक्सप्लेनेशन मौजूद है, और एक नहीं बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कॉमन पॉइंट्स के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुरान ऐसी किताब है जो अपने आप में एक मौजज़ा है, ये सारी चीज़ें हैं, नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता, अब चाहे कुछ मैंने इस्लाम को दूर कर दिया। पहला दिन 5 अप्रैल 2013 मैंने इस्लाम कबूल किया, और जिस दोस्त ने मुझे ये सारी स्टडी करवाई, मैं उसी ने मुझे कलमा पढ़ाया, मैंने मतलब उसको जन्नत फिरदौस अता फरमाया, उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को। और फिर उसके बाद जब मैं मेन मस्जिद में गया, मस्जिद में जाकर देखता हूँ, मैंने कहा नमाज़ पढ़नी आती नहीं, चला गया मस्जिद में। तो एक इमाम साहब एक बच्चे को बताया, भाई क्या कर रहे हैं आप, मतलब फ़र्ज नमाज तो पढ़ ली थी, सुनते रह गए, क्या हुआ आप मतलब सुनते नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने कल ही इस्लाम कबूल किया। अच्छा अच्छा अच्छा, रुके रुके, इमाम साहब को मिला था, इमाम साहब से मिले, आपने इस्लाम कबूल किया, कहाँ किए। मैंने कहा ऐसे ऐसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसे इस्लाम कहाँ, ये तो ये नहीं हुआ ये, तो वो ये कह के चले गए। जो जिनसे मैंने बताया था कि मैं इस्लाम में आया, उन्होंने मुझे सुन्नत नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ के मैं चला गया। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा अभी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे तो लगा था मैं लेक्चर्स में मैंने देखा था कलमा पढ़ाते और मुसलमान हो जाते, इमाम साहब तो एक चले गए, मुसलमान ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है बात हो गई। फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, तो मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे बताया, हाँ ऐसा ही होता। अब ये इस्लाम की ऐसी शक्ल है जो असल शक्ल है जो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छा आप हमारे उनसे मिलिएगा जो जिनसे मैं कुरान पढ़ा था, आप हमारे उनसे मिलिएगा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे मिलाएंगे इंशाल्लाह उनसे, और उनसे बैत करिएगा। मैंने कहा बैत करिएगा कैसा अल्फाज है भाई। अब एक बैत का अल्फाज ये होता है, बैत हम बोलते हैं उसको डंडे को, आप सुना होगा, बैत करिएगा, उससे लड़ना तो आता नहीं है, ये क्या बात हो गई भैया, क्या ये अलग तरीका भी इस्लाम कबूल करने का, ये सोचने लगा मेरे, ठीक है डर सा लगा मुझे, मैंने कहा पता नहीं क्या करवा रहे हैं। फिर उन्होंने मिलाया अपने बुजुर्ग से, अच्छा आप हैं, मैंने कहा जी क्या किया आपने, पूरी डिटेल पूछी मैंने अपना बायोडाटा पूरा, अच्छा 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 ठीक है। एक शख्स बैठे हुए थे, बोले इनसे बात करिएगा और जो ये कहें इनकी रहबरी में आपको काम करना है, आप इनके रहबरी में काम करिए सारा। अब जो भैया जो स्टार्ट हुआ सबसे मेन मसला हराम और हलाल, अरे बस पूछे मत, नमाज ऐसे पढ़नी है, ये तरीका होता है, इसमें इतनी इतनी चीज़ें याद रखनी है, अच्छा ठीक है ओके, देखिए खाने में ये चीज़ें रहनी है खाने को, और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो उसमें एहतियात भरिएगा, कोई पेशाब ना हो वो मत करिएगा, पूजा पूजा शिरक का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जी ठीक है वो भी ठीक है ठीक है, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, मैंने कैसे करना है वो पता नहीं। और फिर घर में भी मसले स्टार्ट हो गए कि लड़के ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, ये तो अलग ही रिलीजन में चला गया, वहाँ अलग मसले हो गए मेरे साथ, यहाँ पे हराम हलाल चल रहा था, वहाँ पे घर पे भी जंगें चल रही हैं, अम्मी अब्बू से मैं बातें कर रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं आता,
और मुझे ये भी ये बताया गया कि भाई अपने घर वालों को भी शिर्क से रोकना, ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अब मेरे दिमाग ना वो जहन्नम में चले जाएंगे, हमें ये देखना है। अब मुझे और डर पैदा हो गया, मैंने कहा यार मैं तो बच गया, सही बात है, लेकिन मेरे मम डैड को भी तो देखना है, मेरे अम्मी अबू को भी तो देखना है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अब मैं उन्होंने भैया कि मैंने बस एक महीने के अंदर दीन में लिया, इतना तो सीख लिया है मैंने, ये प्रेशराइज हो रहा है पीछे से। मैं जा रहा हूँ अम्मी से बोल रहा हूँ आपको क्या ये क्या कर रही हैं आप, मुझे मुझे आपको मुझे मुझे छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं होता है और ये सब सारी चीज़ें बेकार होती हैं। अम्मी गरम एकदम, तो एक तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें सिखा रहे हो, तुमने हमें तो सिखाया खाना खिलाना, हमने थोड़ी ना सिखाया तुम्हें, जो तुम हमें बता रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है उस हिसाब से फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। गर्म हो के एकदम समझ लीजिए कि छः महीने मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान किया है इस तरह से समझ लीजिए। उनकी बात को सुनना ही नहीं है, जो वो बात कहें उसका जवाब उल्टा देना है। क्यों? बिकॉज गाइडेंस नहीं है पीछे। गाइडेंस क्या है कि अपने घर वालों को किसी भी तरीके से दीन में लेके आना है। जिस तरीके से मैं दीन को समझ गया उस तरीके से आप समझ जाएं, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। मेरा जो जहन था और मेरे मॉम डैड का जो जहन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे लिए आसान है वो चीज़ें एक्सेप्ट करना, मेरे मॉम डैड को छोड़ना, मेरे मॉम डैड नहीं कर पाएंगे, उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं है, मतलब सोसाइटी वगैरह बहुत कुछ चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ फील हुई कि अगर मैं मुसलमान हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जो अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। अगर कोई नया बंदा दीन में आता है तो उसकी रहनुमाई किस तरीके से की जाए, इस्लाम उसको क्या इजाज़त देता है करने की, क्या नहीं करने की इजाज़त देता है, इसको सीखने वाले सिर्फ मुसलमान हैं और वही सीखेंगे और वही रहनुमाई करेंगे। मेरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था, मुझे सिर्फ बताने वाले थे कि हराम क्या होता है और हलाल क्या होता है। मेरी ज़िंदगी मुस्लिम सोसाइटी में नहीं थी, वहाँ के लोग अलग, मेरे घर वाले अलग, उनकी सोच अलग, उसमें मुझे इस्लाम कैसे फॉलो करना है उसको गाइड, उस लिहाज से गाइड करने वाला कोई भी नहीं। और जिसको जो मिल रहा है मैं उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि वो देख लिया था मैंने पूरा। तो बड़ी मुझे आज भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा, बहुत 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 ज़रूरी है ये चीज़। आप ये समझिए, मैं गया, मेरा एक दोस्त है भरत नाम है उसका, उसका एम्स का टेस्ट था, एम्स का टेस्ट था, तो उसने बोला कि चलिए मेरे साथ, भाई दिल्ली में मेरा सेंटर है और आपको चलना है मेरे साथ। मैंने ठीक है, मुझे नमाजों का भी एहतियात करनी थी, मैंने कहा भाई ठीक है चलिए चलेंगे, ऐसा ऐसा है इस तरीके से जाएंगे और फिर वहाँ पर रुकेंगे हम, जगह थी क्या नाम बोल रहा हूँ दिल्ली में थी, मैंने वहाँ रुकेंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ के असर की तब तुम्हारे साथ चलेंगे। तो बोले भाई मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैंने कहा मेरे साथ चलना ना, मस्जिद के अंदर चलना, कोई परेशानी नहीं है, चलेंगे। बोले भाई सोच लीजिए अब सही होगा, मैंने कहा मैं हूँ था, गया असर की नमाज थी, मैंने उसको बैठा दिया, थक गया था मैंने बैठा दिया, मैंने कहा तुम पीछे बैठो अब मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, मस्जिद के अंदर लेके आ गया। तो सब जमात के लिए खड़े हुए, उस पर नज़र गई और उसको देखे तुम कैसे बैठो, तुम बेटा मैं फिर गया, मैंने मेरा दोस्त है और ये नॉन मुस्लिम है और टेस्ट के लिए आया मेरे साथ आया, इसको अंदर कैसे लेके आ गए तुम, अंदर कैसे, इसको बाहर लेके जाओ, यहाँ कोई बिठाने की जगह है तुम क्या कर रहे। ये समझिए उस वक्त अपने दोस्तों को जो मैंने बताया था इस्लाम के बारे में, जिस तरीके से वो इस्लाम को समझने लगे थे, डाइल्यूट हो गया था बिल्कुल जी, क्योंकि मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो मुसलमान हूँ। मुसलमान मतलब हर मुसलमान को उस तरीके से कबूल करना पड़ेगा मेरे दोस्तों को, जिस तरीके से मैं कबूल कर रहा हूँ, जिस तरीके से दीन ने सिखाया हूँ, वो सब डाइल्यूट हो गया। ये समय नमाज जब मैं पढ़ रहा था तो दिमाग में मेरी यही चीज़ थी कि कैसे कर दिया इन्होंने, कैसे भूल गए,
मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। दोस्त मेरे इस्लाम को किस तरीके से समझ रहे थे, देख रहे थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने कहा नहीं, इमाम साहब से बात करके तो जाऊँगा। नमाज में मेरा दिमाग ही नहीं लगा। मैंने पूछा, मैंने इमाम साहब एक बार बताइए, आपने क्यों मेरे दोस्त को बाहर भेजा? क्यों भेजा मतलब क्या है? कहा देखिए, मेरा नाम आशीष है। तो क्या हुआ? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा मेरे दोस्त को आपने बाहर क्यों भेजा? इसका जवाब दे कि वो मतलब आप कैसे किसी काफिर को घर ले आएंगे मस्जिद में? किस तरह से वो पाक है ना पाक है क्या है आपको पता है? मैंने कहा ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में किसी गैर मुसलमान को आने की इजाज़त दी थी या नहीं दी थी? तो एक बुजुर्ग बोलता है, हाँ तुम ही तो हो ना इस्लाम के ठेकेदार हो, तुम ही तो सिखाओगे हमें। अरे बाप रे बाप। फिर वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, अरे भाई आप रहने दीजिए, आप चलिए। मैंने कहा आपने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। क्या क्या आ गया क्या? मैं बारे से पूछा, वो अलग ही उसका मिजाज बड़ा परेशान हो गया, ये क्या बात है इस तरह से बोलने का। तो मैंने कहा मैं बोल के आया हूँ, ऐसा नहीं है, तेरा भाई था, ऐसा नहीं है कि किसी से कहेगा नहीं, आपके साथ हूँ हमेशा। ये वो इस्लाम था जो असल था, एक इस्लाम जिसका मैं कायल हो चुका था, एक इस्लाम जो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आज हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हम ये कहें कि सबसे बेहतर मुसलमान को देखना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, बेशक वो बहुत बेहतर थे, और सहाबाए किराम को देखिए, वो पास्ट है। पास्ट को कोई उस तरीके से नहीं देख सकता, फील नहीं कर सकता, और जब तक कोई फील नहीं करेगा आपकी बात को कोई बिलीव करने सकता। हम लोग पास की दलील देते रहते हैं, हम लोग अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं कि हम भाई जो इस्लाम की जो शक्ल दिखाई जा रही है वो गलत है, वो गलत है। इसकी रिप्रेजेंटेटिव आप ही हैं, आप ही इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। एएमयू में एक बात होती है ना, एक अगर कोई लड़ाई वगैरह भी होती है तो उसको स्टूडेंट की नज़र से नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट्स में वॉर हो गई या कुछ हुई, उसको मुसलमान की नज़रिए से देखा जाता है कि मुसलमान होते यही हैं। आज मीडिया जो रिप्रेजेंट कर रही है ना, उनकी जो जो घर घर में जो जो इमेज पहुंची हुई है लोगों की, वो सही हो जाती है उनकी नज़र, और होता है ये चीज़। इसके बाद आगे हुआ कि मैंने अपने दोस्त को समझाया और चलिए कोई बात नहीं है। फिर मैंने एडमिशन लिया बीएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ से एडमिशन लेने के बाद खाला के यहाँ मैं रहता था। खाला को भी बताया कि देखिए मैं मुस्लिम हो चुका हूँ, और मैंने उनसे रहने से पहले मैंने अपने अम्मी अबू से बोला कि भाई मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज तो मुझे पढ़नी है, नमाज मुझे हर हालत में पढ़नी है, तो मैं उनसे इजाज़त लूँगा नमाज पढ़ने की। अगर वो इजाज़त दे देती हैं तो मैं उनके यहाँ रहूँगा, वरना मैं अपना देखूँगा। मैंने उनसे पूछा कि खाला मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ यहाँ पर? मेरे घर में पता है, मेरी सोसाइटी को पता है, मेरे ख़ानदान को पता है, और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको पता है कि मैं मुस्लिम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों का तो ये आलम है कि अब तो मैं उनका प्यार देख के रोने लगता हूँ। उसकी भी एक कहानी है, इंशाल्लाह मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। खाला के यहाँ मैं रहता हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, पांच वक्त देख रही हैं, वज़ू कर रहा है। उनको ये लगता था दिल्ली जैसी जगह में कितना पानी वेस्ट करता है। देखो तो जब देखो मुँह हाथ धोते हुए नज़र आता है, ये भी बात है, और उनका चेहरा अजीब हो जाता था। हमने अच्छी इजाज़त दे दी इसको नमाज़ पढ़ने की। दो चार बार ये हुआ कि उनके अलावा भी काफ़ी जो उनके रिश्तेदार थे वो आए, उन्होंने देखा कि ये कर रहा है भाई, ये तो ये कैसे नमाज़ पढ़ रहा है इधर, क्या ये? तो उनको ये बात बुरी लगी और उन्होंने मेरे घर पे शिकायत की कि भाई हम नहीं रख पाएंगे ऐसे, और आप देख लीजिए। मेरे अम्मी अबू ने फ़ोन किया, तू मतलब हमें हर जगह बदनाम करवा के छोड़ेगा, तूने कसम खा ली है कि हमारी इज्जत जो है मिट्टी में मिलता है। मैंने कहा क्या हुआ? ज़रूरी है तो ये नमाज़ पढ़ना, ज़रूरी है ये सब करना। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ बताइए।
का फ़ोन आया था, ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं जी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैंने उनसे परमिशन तो ली थी, मैं ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं अपने आप ही नमाज पढ़ रहा हूँ, उनसे परमिशन ली थी। तू ही मुसलमान हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे ठीक है चलिए, मैं उधर से छोड़ रहा हूँ। मैंने उधर से छोड़ा, मैं दूसरी जगह गया, हमारी पप्पी थी उनके यहाँ गया, मैं उनके यहाँ में रह रहा हूँ। तो मैंने देखा, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज भी पढ़ूँ और यहाँ पर रहूँ भी, उनसे परमिशन लेके। एक हफ्ता हुआ उधर से भी मेरे घर पे फ़ोन चला गया, बोला हम नहीं रख पाएंगे आपके लड़के को। अरे बाप, तो समझ लीजिए मेरा दिमाग खराब, मैं क्या करूँ। मेरे कॉलेज के पास एक मस्जिद थी, मैंने वहाँ पे पैम्फलेट लगाई कि मैं रिवर्ट हूँ और हेल्प करने वाले होते हैं, और जब इस्लाम में कोई आता है तो उसको तो गले लगाते हैं, तो ये मैंने सुना था। मैंने पैम्फलेट लगाई मस्जिद के बाहर और फ़ोन नंबर दे दिया कि मुझे रहने के लिए रेंट पर रूम चाहिए। किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का भी फ़ोन नहीं आया। मैं चलिए यहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो सोच रहा था मैंने कम से कम कोई तो फ़ोन करेगा। ये गैर मुस्लिम दोस्त थे मेरे, उनको पता था कि मैं मुस्लिम होता हूँ, मैंने उनको सारी कहानी बताई। मैंने कही ये बात है, अरे यार तुमने बड़ी चिंता करी, हम हैं तो तू हमारे साथ रहे, हम रखेंगे तुझे। एक हाजी साहब थे, उन्होंने मुझे एक रूम दिलवाया था। रूम कैसा था, बेसमेंट के अंदर था, वहाँ जाले वगैरह लगे हुए थे, पता नहीं ऐसा लग रहा था कितने दिनों से वो रूम खुला नहीं था। मैं अपना बिस्तर वगैरह लेके पहुँच गया उधर, मेरे अब्बा भी गए, उन्होंने देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई, ये यहाँ पर रहेगा, मकड़ी के जाले, फैन भी नहीं, सब कुछ, और अगर नीचे बेसमेंट में, ये क्या है। मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, उन्होंने देखा, अरे पागल हो रहा है तू, हमें तो हम चल रहे हैं। कौन था यार, मुस्लिम था, उसको ये पता था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, एज अ मुस्लिम मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। मुझे लेके गया अपने रूम पर रखा उसने, और पूरी इजाज़त दी कि भाई तुम यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई मास्क अच्छे में खाना। मैंने ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। ये दूसरी चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा ये बात भी मुझे अब थोड़ी खोखली लग रही है कि मुसलमान गले लगाते हैं और यार मुसलमान जब इस्लाम में आता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। कोई बात नहीं, मैं जॉब करता था, कॉलेज जाता था, उस दौरान मुझे 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी थी। ये समझ लीजिए बसों में ट्रैवल कर करके मस्जिदों तक जाता था, भागता दौड़ता, नमाज़ पढ़ता था, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जॉब के लिए जाता था, जॉब से फिर आते वक्त मगरिब की और ईशा की नमाज़ पढ़ के सीधे घर पर पहुँचता था, फजर में उठता था, फजर की नमाज पढ़ी, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। फिर मैं कहीं ना कहीं ये भी फील कर रहा था, यार मैं कुछ ज़्यादा सीरियसली तो नहीं ले रहा हूँ इस्लाम को, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और भी तो मुस्लिम हैं जो मेरे दोस्त हैं और मेरे क्लासमेट थे, तो उनको तो कोई फिक्र नहीं रहती नमाज। नहीं यार, सवाल तो तेरा होना, तुझे तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में, तुझे करना किसी भी हालत में। अल्लाह बहुत बड़ा है और वो इंशाल्लाह तेरे लिए रास्ता निकालेगा, और बहुत ज़बरदस्त रास्ता निकालेगा, तू बस मेहनत करता चला जाएगा। वही मेहनत थी कि ये हुआ, 1 साल के बाद घर पे आया मैं, घर पे भी मेरा रवैये में कोई चेंज नहीं था, मुझे तो उसी तरीके से बात करना कि आपको क्या आता, आपको कुछ नहीं आता, आप इसको ये फॉलो कर रहे हैं, इसका ये होता है, वेदों में ये लिखा हुआ है, मैं उनको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी होगी वेद नहीं देखे, मैं उनका वेद का हवाला दे रहा हूँ। मुझे ये तो सोचने वाली बात है ना, जो चीज़ उन्होंने देखी नहीं उसका हवाला दे के मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा परेशान होते, मेरे दोस्तों से शिकायत किया जाता था कि देखो ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करेंगे हम सोसाइटी में, इसका क्या होता है, दिल्ली में रहता है, वहाँ देखिए कितना कमज़ोर हो गया है, क्या खाता पीता भी नहीं है, और वहाँ रह रहा था अच्छा खासा खा लिया, यहाँ वहाँ से छोड़ दिया अपने कारनामों की वजह से, उधर से भी निकाल दिया, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मॉम डैड। इवन मेरी मम्मी तो रोती थी मेरे रवैये की वजह से, एक मुसलमान का रवैया अपने माँ बाप के साथ कैसा होना चाहिए ये शो कर रहा था मैं। अब कहीं ना कहीं मुझे बड़ा एहसास होने लग गया, मेरे सामने एक चीज़ आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस में आता है कि
दो चीज़ों की सज़ा, मतलब एक चीज़ की सज़ा इस दुनिया में मिल जाती है, और वो क्या है, माँ बाप के साथ बस सुलूकी करने वाले का हाल बहुत बुरा हो जाता है, इसी दुनिया में दिखता है। जब ये चीज़ आई मेरे सामने, मैं सोच रहा था कहीं मेरे स्ट्रगल की वजह यही तो नहीं है, मैं अपने माँ बाप के साथ कैसे सुलूक करूँगा। इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है अमन, और मेरे घर में ये जंगें हो रही हैं, ये क्या होता है? मुसलमानों के बीच में जब मैं दीन की बात करता हूँ तो वाह वाह लूट रहा हूँ, मेरे घर का हालत उनको पता चल जाए तो थू 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 करते हुए ना थकें, ये मैं इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने एक सुन्नत के बारे में सोचा, एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि एक वाहिद ऐसे शख्स है पूरी हिस्ट्री में, आप उठा के देख लीजिए, जिन्होंने ये कहा कि मेरे घर के हालात पूरी दुनिया को बताओ। हम में से कितने की हिम्मत है ये करने की? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, परेशानी हो। मैंने इस सुन्नत को पकड़ा, मैं बाहर तब तक अच्छा नहीं कहला सकता जब तक कि मैं अपने घर में अच्छा नहीं। 6 महीने के बाद जब ये मैंने स्टार्ट किया, अपने मॉम डैड को एहसास दिलाया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, और वो एहसास मैंने अंदर पैदा भी किया। उससे पहले कोई मोहब्बत नहीं थी, नाम की मोहब्बत होती है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये फिलोसफिकल बातें जो मैं बता रहा था आपको, हर हिंदू के मुँह से सुन लीजिए, उसके घर के हालात देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना माँ बाप को इज्जत देंगे। जब मैंने ये सुन्नत पकड़ी 6 महीने के अंदर अंदर मेरे मॉम डैड का प्यार उस लेवल तक पहुँच गया था जो मैंने कभी अचीव नहीं किया। ये किरदार मैंने बनाने की कोशिश की और कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मेरे मॉम डैड आज मुझे डिफेंड करते हैं मेरे पीछे, अगर कोई बोलता है ना कि आपके बेटे ने ये कर लिया, बोलो तो कौन सा गलत काम कर लिया आपने, कर लिया, बोले ऐसा नहीं है कि आप धर्म, मतलब ये होता है कि धर्म नहीं छोड़ना चाहिए अपना, बोले ऐसा है आप मेरे बेटे से ही बात कर लीजिएगा धर्म के बारे में बेहतर रहेगा, हमें तो पता नहीं। तो ये किरदार जब मेरा बना, मैं ये समझ गया कि इस्लाम ऐसा नहीं है कि इज्तमाही तौर पर ही बात करता है, इज्तमाही तौर पर ही उसका असर होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में भी जो असर पैदा कर सकता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता। मैंने जब ये सुन्नत पकड़ ली और इस पर मैं अमल करने लगा, मॉम डैड मतलब इस लेवल का प्यार देखने को मिल गया कि मैं रोने लग गया रातों में कि ये मेरे मॉम डैड है, कितना प्यार करते थे मुझसे और मैं इनके साथ क्या सुलूक कर रहा था। इस तरह की सेक्रीफाइसेस किए, हर चीज़ मेरे दिमाग में इस्लाम के ज़रिए ताज़ा होने लग गई, और सब कुछ जो जो होता है ना, ये होने लगा दिमाग में कि यार मैं क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, ये सारी चीज़ें जब ताज़ा होने लगी, मैं ये भी सोचता था कि यार मुस्लिम सोसाइटी में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ था मुसलमानों में उनके साथ भी बहुत बड़ी कमी है, कि वो ये सारी चीज़ें क्यों फॉलो नहीं करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि ये लोग भी फॉलो करें, ये भी माँ बाप की इज्जत करें, इनको भी वो प्यार मिले जो मुझे मिल रहा है। ये दूसरा पेज था, जब अभी इसमें देख लीजिए आपके मुसलमानों का कितना बड़ा रोल रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम आप लोगों को करना चाहिए था वो काम मैं अपनी अकल से कर रहा था और चल रहा था। ये बहुत 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 अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया, एडमिशन के लिए अम्मी अब्बू ने बोला कि अब तुम जाओगे नहीं, तुम नहीं पढ़ पाओगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हें, और माफ़ी चाहते हैं अब तुम हमें नहीं कर। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे स्टडी करनी है आगे, फर्दर स्टडी करनी है, नहीं करना पड़ेगा, किसी से मैंने पैसे दिए उधार, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मेरे मॉम डैड की 1 महीने बाद तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वापस जाना पड़ा। उन्होंने बोला कि बेटा हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हें, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हें यहाँ पर है, तो हमारे साथ रहो और हमारे साथ रहकर जो कर रहा है वो करो। बहुत इमोशनली मेरे अब्बा ने बातें की, लिटरली उनकी आँखों में आंसू आ गए थे, तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है आपकी बात मान लूँगा। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई इस्लामिक सेंटर का नाम आपने शायद सुना हो, नदीम तरीन के पास है, मनसूब भाई,
और उसकी मुलाकात कैसे हुई कि मेरे दोस्तों ने कुछ सवाल उठाए थे इस्लाम को लेकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वो सवाल जब आए तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये क्या पूछ रही है। ये सवाल था कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी है 6 साल की उम्र में। मैं उनसे पूछा, मैंने कहा रेफरेंस बताइए। बोले सही बुखारी की हदीस है। उन्होंने रेफरेंस निकाल के दिया। यार सोचने वाली बात है, ये क्या है, मैं इसके बारे में तो कभी सुना भी नहीं, ना किसी ने बताया ये। तो फिर भी उससे पहले इस्लाम जो कुरान है ना, अपने आप में मौजूदा है। कुरान ने हर तरीके से स्टेबल कर दिया था कि अब चाहे कोई भी क्रिटिक्स आ जाएं, किसी के ख़िलाफ़ भी आ जाएं, इस्लाम से नहीं हट सकता। मैं कुरान को देख कर गया था, फिर बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आया था। तो कुरान ने तो अपने आप को साबित कर दिया था। बड़ा परेशान हो गया था, बट ये है कि मुझे अपने दोस्तों को भी सेटिस्फाई करना है। तो इस लिहाज से फिर मैं इस्लामिक सेंटर पर कॉल किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसी बातें, हमें आपसे मिलना है। तो उन्होंने बुलाया, उनसे मेरी बात हुई। अब उन्होंने जिस तरह सेटिस्फाई किया, ठीक है, मैंने उनको, मैंने अपने भाई को बताया, वो भी सेटिस्फाई हो। मेरा ये सपना था कि मैं दाई बनूं और इस्लाम को गैर मुसलमानों तक पहुंचाऊं। ये मेरा सपना बन चुका था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक को देख के बहुत सारे जो लोग हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और होता है कि हर कोई अपने आप को डॉक्टर जाकिर नायक समझता है। तो मेरा भी सपना था कि मुझे बनना है, मुझे लोगों तक पहुँचानी है बात। चाहता हूँ कि मैं लोग इस्लाम कबूल करें। पहले तो मेरे माँ बाप, मैं उनको कैसे बताऊँ, ये मुझे तरीका आना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी सोसाइटी जिनसे मैं जुड़ा हुआ, मुझे उनको भी बताना है। तो मनसूब भाई ने बोला कि रामपुर में एक वो है सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब, अभी गाइडेड पाथ एक करके प्रोग्राम होता है, तो उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका प्रोग्राम है। तो 10 दिन का एक कैंप चलाते हैं, ट्रेनिंग कैंप, दावा ट्रेनिंग कैंप। तो मैंने वो अटेंड किया। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं इस लिहाज से वहाँ पर जा रहा हूँ। मैंने वो अटेंड किया। अब यकीन मानिए, जो चेंज आया है मेरी लाइफ में, जो मेरा वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग था, बिल्कुल चेंज हो गया। वहाँ से कैंप अटेंड करने के बाद जब मैं घर पे आया हूँ, एक अलग आशा। वहाँ पर मैं जब अपने घर में दाखिल हुआ, घर में जो मेरा रवैया था वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। और इम्प्रूव करने का मन कर रहा था कि मैं इसको और इम्प्रूव करूँ, और इम्प्रूव करूँ, और इम्प्रूव करूँ। ये हो गया। फिर संडे टू संडे इस्लामिक सेंटर से गैर मुसलमानों के बीच में जाकर दावत का काम होता है, तो उसमें भी मैं गया। वहाँ पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्होंने बातें करनी स्टार्ट की। उसके बाद दिल्ली बुक फेयर होता है प्रगति मैदान में, वहाँ पर एक स्टॉल लगता है बहुत बड़ा, जहाँ पे ये कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी कराई जाती है और बताया जाता है कि इस्लाम में ये सारी चीज़ें हैं। जो टीचिंग्स मैंने इंटरनेट और वीडियोस के ज़रिए हासिल की, उस टीचिंग का मेरी रियलिटी में कोई फ़ायदा नहीं। अब जब 1-to-1 टॉकिंग करते हैं ना, तो बहुत डिफरेंट होता है जो आप देखते हैं टीवी पर, उसके लिहाज से बहुत डिफरेंट होता है। आप यकीन मानिए, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है जितनी दूसरे गैर मुस्लिम के पास इस्लाम के बारे में, गलत नॉलेज। इस तरह से वो लोग तैयार है, इस तरह के सवाल उठाते हैं कि इंसान परेशान हो जाए, इसका जवाब कैसे दूंगा। अब हर बार वही डॉक्टर जाकिर नायक वाला जवाब दे नहीं सकता, वो कितना काम करेगा, लॉजिकल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लॉजिकल कोई ना समझ रहा है, तुमने क्या बोला। तो जब मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया, तो प्रगति मैदान में बहुत सारे लोग, आरएसएस वालों से मुलाकात हुई। आरएसएस वाले तो आके बोलते हैं, एक भाई थे विजय नाम था उनका, देख रहा था। मैंने कहा आपने देखा ये? जी मैंने देखा। मैंने कहा आपको कैसा लगा? कुछ नहीं, बस एक सवाल था मेरे दिमाग में, ये जरूर आप बहुत क्या क्यों करते हैं, क्या पूछ लिया बहुत क्या क्यों करते हैं, मांस भक्षण की बात नहीं हो रही, मांस खाने की बात नहीं, बहुत क्या क्यों करते हैं। बड़ा परेशान हुआ। अब देखिए, एक मुसलमान के दिमाग में ये बात आती है सीधे कि मैं डिफेंड कैसे करूँ, आपके यहाँ नहीं है क्या, आपके वेदों में नहीं है वो हत्या, आपके इस रिलीजन में नहीं है क्या वो हत्या, ये सारे चीज़ जी। मैंने कहा देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ, जो जानवर जिंदा रहकर ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है, उसको काट कर एक बार में फ़ायदा उठा लेना, ये तो बेवकूफ़ी लगती है। मैंने उसको ये बताया, बोला जी कुरान भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आप गाय को काटें, नहीं
नहीं करता। अच्छा, तो मैंने कहा आप खुद सोचिए, मैंने उसको बहुत लॉजिकली जवाब दिया, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ है, हमें ये सोचना चाहिए कि मुसलमान के पास गाय पहुँच कैसे रही है, उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता। मैं एक गौशाला में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद जा जा के मैंने लोगों से पर्सनली बात की है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि कोई भी चीज़ जब तक पास ऑन मत करो जब तक कि आप खुद उसकी तहकीक ना कर लो, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, और उससे पूछो जो सबसे बेहतर जानता है। मैं गौशाला वाले से बात की, मैंने पूछा कि आपकी गौशाला में कितनी भैंसें हैं, गायें, तो वो बोलने लगे कि 60 हैं, 60-70 हैं। मैंने कहा कितनी बूढ़ी गायें? चुप हुई, मैंने क्या हुआ? मैंने कहा चलिए बूढ़ी गायें नहीं है, मैंने जो बूढ़ी गायें थी वो मर गई हैं, वो कहाँ गई, उन्हें कहाँ दफनाया, कहाँ जलाया, वो बताइए। तो कोई जवाब नहीं, तो मैंने वो बात उसको बताई। मैंने कहा जब अपने सिर का खोटा होता तो दूसरे को क्या दोष देना। मैंने यहाँ तो ये लग रहा था मुझे कि जिंदा गाय से तो फ़ायदा उठाया जा रहा है, और जब वो दूध देने लायक नहीं होती है, कुछ करने लायक नहीं होती, उससे भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं आप लोगों को तो ये दिखाया जाता है कि मुसलमान गाय काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, लेकिन उन्हें गाय पहुँचा कौन रहे हैं? हमारी उस तरफ तो नजर ही नहीं गई। अरे हाँ भाई, ये बात तो आपको सही है, लेकिन इस बात पर भी गौर करिए। भाई आप जा जा के सर्वे करिए गौशालाओं में, और कोशिश करिए कि किसी भी मुसलमान के पास गाय ना पहुंचाए। मैं रो गया उनको, तो बड़ा खुश हुआ। उसने मेरे से नंबर लेके गया कि भाई आप जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत है, ये नंबर आप मुझे दीजिए, और हमारे प्रोग्राम होता है RSS का, और वहाँ पर जो यूथ को जोड़ा जाता है, और आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सोचिए, ये मैंने सवाल प्रिपेयर नहीं किया था कि मुझे इस तरह से जवाब देनी है, लेकिन ये था कि मैं सोचता रहता था उस लिहाज से, और डॉक्टर ज़ाकिर नायक वाला जवाब देता तो क्या इतना इफेक्टिव रहता, क्या वो चीज़ को करता कि वो मुझसे खुश होकर जाता है, हाथ मिला के जा रहा है। और RSS वाले मुसलमानों को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते हैं। आप वीडियोज़ उठा के देख लीजिए कि खुले तौर पे मुसलमानों की वो है मुखालिफ पूरी तरीके से। आर्य समाज के बारे में आपने सुना है? उन्होंने तो थीसिस लिख रखी है क्रिटिक्स के ऊपर, क्रिटिक्स के इस्लाम को लेकर थीसिस लिख रखी है उन्होंने। उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका भी रवैया यही था, एक अंदाज था जो डेवलप हो रहा था धीरे धीरे ताई वाला। जब किया मैंने उस तरह से, जब मैं काम करता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि इस्लामिक सेंटर वाले जो लोग थे मेरे साथ, और सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा जहन साझी करने में, उस तरह से तैयार करने में कि गैर मुसलमानों तक दावत कैसे पहुँचाई जाए, क्या तरीका होना चाहिए। मैं अब इस वक्त यूथ पर काम कर रहा हूँ, यूथ इंसेंस जो बच्चे हैं जिन पर हमारी नज़र नहीं गई है, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। आप ही के भाई होंगे जिनके बारे में आपको 1% भी खबर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। जी जी जी, इंशाल्लाह बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जो एक कोचिंग है कैरियर क्रिएटर, उसके जो बानी है रवि हैं, आए हुए मेरे भाई रवि, गौरव, भरत, ये मेरे दोस्त हैं, और दानिश, अल्ताफ, जो बचपन के दोस्त में बता रहा था, जिनसे मेरे दोस्त हैं, जिनके घर पे आना जाना, वही हैं दानिश रवि हैं। उनकी एक कोचिंग है, उसमें मुस्लिम बच्चे आते हैं। मैंने इनसे बोला, मैंने इनको बताया, मैंने कहा यूथ बहुत बड़े प्रॉब्लम में, मैं चाहता हूँ कि उनके लेवल पर इस्लाम को भी रिप्रेजेंट किया जाए, और जो घर के मसले मसाइल हैं, जिन मसले मसाइल से वो जो जूझ रहे हैं, इनका भी सॉल्यूशन हमारे ज़रिए दिए जाए। वो लोग राज़ी हो गए, और हर महीने हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इस्लामिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें से बाहर के लोग भी आते हैं और काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जब मैं उन बच्चों की परेशानियाँ सुनता हूँ तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये काम हम सबको मिल के ही करना है। हमें अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखना है, और इस्लाम को उस नज़रिए से समझिए जिससे कि आपके आपसे जुड़े हुए हर इंसान पर आपके रवैये का फ़र्क पड़े। एक भी सुन्नत अगर इंसान कोई फॉलो कर रहा है, उसका असर अगर किसी अपने घर वालों पे नहीं पड़ रहा, तो आपने सुन्नत ठीक तरीके से फॉलो नहीं की। एक एक सुन्नत वज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी, उसने माशरे को बदल दिया। आप अपने घर वालों को नहीं बदल पा रहे, सोचिए किस तरह की सुन्नतें फॉलो कर रहे हैं हम।
तो इस पर भी गौर करिए थोड़ा सा, और इंशाल्लाह आप लोग भी जुड़े रहिए लोगों से और करिए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये आशीष भाई थे जो अपनी दास्तान बता रहे थे, तो वो कुफर से इस्लाम की तरफ किस तरह है। इनकी हर हर बात हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम पर कितनी जिम्मेदारियाँ आए। हम लोग समझते हैं कि हमने इस्लाम का दावा किया, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का दावा किया, उसके फरिश्तों पर ईमान लाने का दावा किया, आखिरत के दिन पर ईमान लाने का दावा किया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो, हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम इस चीज़ का दावा करें कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं, उसके फरिश्तों पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। ना हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम नमाज को कायम करें, हम ज़कात दें, हम रोज़े रखें और हम हज करें। ना हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि ज़िंदगी के जो मामलात हम गुजारते हैं, जैसे निकाह और तलाक के मसाइले और वरासत के मसाइले, उनको इस्लामी शरीयत के ढंग में डालने की कोशिश करें, उनके ज़ाब्तों में उस तरीके से अमल करने की कोशिश करें। बल्कि इस उम्मत का जो मकसद वजूद कुरान मजीद में बताया गया है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनू शुहदा अलन्नास, और इस तरीके से हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया। तुम्हारा मकसद वजूद क्या है, तुम्हारा फ़र्ज मनसबी क्या है, तुम किस लिए पैदा किए गए हो, लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। वल वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, और कल अल्लाह के अजमत वाले पैगंबर तुम पर गवाह बनेंगे। लोगों पर गवाही देने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो इस्लाम का साफ और खुला रास्ता हम पर खुला है, जो इस्लाम का नूर हम पर खुला है, जो ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका हम जानते हैं, हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम उस तरीके को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और दूसरों तक पहुँचाने के लिए हर तरह की जुद्दोजहद करें। अल्लाह तबारक व ताला ने जो पैगंबरों का सिलसिला कायम किया, बिल्कुल इंसान की पैदाइश से लेकर, उसका बुनियादी मकसद यही था कि इंसानों को सही रास्ता बताया जाए, इंसानों को बताया जाए कि कौन सी चीज़ जन्नत की तरफ ले जाने वाली है और कौन सी चीज़ जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, कौन सी चीज़ आपको कामयाब करेगी और कौन सी चीज़ आपको नाकाम करेगी। अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे और फिर आखिर में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उनके जाने के बाद जिस तरह शख्सी हैसियत से उन पर ये जिम्मेदारी आयद थी कि वो लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाए, उसी तरीके से आज इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इस्लाम की शहादत दे। इस शहादत का क्या तरीका होगा? इस शहादत का एक तरीका तो कौली तरीका है। हम ज़बान से बताएं कि इस्लाम किस चीज़ की दावत देता है, हम ज़बान से बताएं कि इस्लाम किन खतूत पर माशरे की तश्कील का मुतालबा करता है। एक तो ये ज़बानी दावा हो और फिर इस ज़बानी दावे की तस्वीर हमें हमारी अमलों से दिखे। जैसे कि आशीष भाई बता रहे थे कि वो ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, वो ज़ाकिर हुसैन स्कूल में गए, उसके बाद वो इकरा पब्लिक स्कूल में गए, उसके बाद वो दिल्ली की एक मस्जिद में गए। जो उन्होंने मुसलमानों की तस्वीर हमारे सामने पेश की, उसकी हर बात से ये चीज़ झलकती है कि मुसलमानों का रवैया इस्लाम के हक में नहीं बल्कि इस्लाम की मुखालफत में है। हम इस्लाम को अपने ज़रिए से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम हक की गवाही देने के बजाय बातिल की गवाही दे रहे हैं। हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को इस मनसब पर फाइज किया गया था कि वो हक की गवाह बनकर इस दुनिया के सामने हक के गवाह बनकर खड़े हो जाएं। अब उनके बाद ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की गई है कि हम पूरी दुनिया के सामने हक के गवाह बनकर उठे। यहूदियों ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने फरमाया अलैकुम ज़िल्ला वल मस्कना, हमने उन पर ज़िल्लत और मस्कनत तारी कर दी। आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान परेशान है, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान ये समझ रहे हैं कि उनका मसला गरीबी है, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमान समझ रहे हैं कि उनका मसला ये है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, आज हम लोग जो ये समझ रहे हैं कि हमारा मसला ये है कि हम एजुकेशन में पीछे हैं, आज हम लोग हिंदुस्तान में ये जो समझ रहे हैं हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यहाँ पे अकलियत में हैं और हमें इस अकलियत को तहफ़ फराहम करना है, हकीकत यह है कि हकीकत में इन मसलों की कोई हकीकत नहीं है, असल मसले नहीं है, बल्कि असल मसला जो है वो शहादत हक का मसला है। हमें पूरी दुनिया के सामने और पूरे मुल्क के सामने हक की शहादत की एक खुली हुई तस्वीर बनना है। जो हक हम पर मुनकशिफ हुआ है, जो हक हम पर अल्लाह ताला की तरफ से आया है, हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस हक की तस्वीर बने और उसके ज़रिए से लोगों तक हक की दावत पहुंचाने की कोशिश करें। आज पिछले कुछ अरसे से जो दावत का तरीका बना है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों के सामने दावत देते हैं या इनफरादी मुलाकातें करते हैं और उसमें दावत देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों में ये मिसकंसेप्शन पैदा हुआ है कि दावत सिर्फ कुछ आमाल का नाम है कि हम लोगों से मिले, उनके सामने तकरीर की, ये दावत है।
हकीकत में ये चीज़ मुकम्मल दावत नहीं है, बल्कि जो पूरी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो हम गुजार रहे हैं, हम हर जो अमल कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद के अंदर कर रहे हों या मस्जिद के बाहर कर रहे हों, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम यूनिवर्सिटी में हो, चाहे हम क्लास में हो, हम लोग ये ना समझें कि जब हम दूसरे लोगों के सामने तकरीर कर रहे हैं बस वही चीज़ दावत है, बल्कि जो पूरी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जो हर हर अमल हम कर रहे हैं, हमारा हर कोई अमल दावत बनता है। जैसे आशीष भाई बता रहे थे कि वो कितनी क्लोजली मुसलमानों को वॉच करते हैं कि ये किस तरीके की तस्वीर इस्लाम की पेश कर रहे हैं, और फिर उसके ज़रिए से इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। अब कितने लोगों तक जाकिर नायक पहुँचेंगे, कितने लोगों तक अहमद दीदार पहुँचेंगे, कितने लोगों तक और बहुत सारे जो दाई पैदा हुए हैं वो लोग पहुँचेंगे। हम में से हर किसी फ़र्द को इस बात की कोशिश करनी है कि हम में से हर किसी फ़र्द को इस बात की कोशिश करनी है कि जो भी हिदायत हमें कुरान और सुन्नत में मिलती है उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग ये ना समझें कि हम जो अमल कर रहे हैं हम उसमें इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं, बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी, इस उम्मत की ज़िम्मेदारी एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला सूरह माईदा में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना लिल्लाह वश्शुहदा बिल्क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ और हक की गवाही देने वाले बन जाओ। हमें इस चीज़ में ये बात सामने रखनी है कि हम किसी और चीज़ के लिए खड़े ना हो, हम अपने मफादात के लिए खड़े ना हो, हम अपने इलाके के लिए खड़े ना हो, हम अपने दोस्तों के लिए खड़े ना हो, हम वतन के लिए खड़े ना हो, हम कौम के लिए खड़े ना हो, बल्कि किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ लिल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हक की गवाही देने वाले बन जाए। तो जब हम लोग ये काम करेंगे, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कल को अल्लाह तबारक व ताला आखिरत के दिन सिर्फ हमारे आमाल के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि वो हमसे इस चीज़ के बारे में पूछेगा कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग रह रहे थे, आया तुमने उन पर हक का पैगाम पहुँचाने की कोशिश की या नहीं, आया तुमने उन पर हक का पैगाम वाजह करने की कोशिश की गई या नहीं। इस बात को ठंडे दिलो दिमाग के साथ अपने जहनों और अपने दिमागों में बिठा दीजिए कि कल आखिरत के दिन हमसे सवाल होगा कि आशीष भाई जैसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहते थे जिनको आपने इस्लाम के दूर रखा, और हम में से बहुत सारे लोग आशीष भाई जैसे लोगों को गलतफहमियों के नतीजे में हकारत की निगाहों से देखते हैं, नीची निगाहों से देखते हैं। कल आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हमसे ये सवाल करेगा और ये अल्लाह ताला हमें बचाए, इस चीज़ के नतीजे में हम जहन्नम में न चले जाएं, कि हमसे ये पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे सामने आशीष भाई जैसे लोग आते थे, आया तुम उनको इस्लाम की दावत देते थे या कुफ्र की दावत देते थे। इस चीज़ में और बहुत एक अहम चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इसमें पूरे इखलास के साथ काम किया जाए, इसमें नशूद और नमाइश के लिए काम न किया जाए, इसमें इसलिए काम न किया जाए, इस चीज़ से इसलिए न जुड़ा जाए कि हम दुनिया में हाईलाइट हों, लोग हमें बहुत एक्टिव कहें, लोग ये कहें कि ये इस्लाम का काम करते हैं, ये इस्लाम के दाई हैं, ये इस्लाम के अलमबरदार हैं। बल्कि मैं आपको एक वाकया बताऊँगा कि एक वक्त हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने रो रहे थे, तो वहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरे और उन्होंने उनसे पूछा, ऐ मुआज़ तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा था कि इसी साहिब कब्र ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे आमाल में राई के दाने के बराबर भी शिर्क हो, राई के दाने के बराबर भी दिखावा हो, तो वो दिखावा शिर्क है, वो दिखावा शिर्क है। इस बात को याद रखिए कि जब हम कोई भी काम इस्लाम के लिए करें उसमें मुकम्मल तौर पर इखलास हो और वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही हो। एक हदीस कुदसी है, अगर कभी हम उस हदीस पर अपनी तन्हाइयों में उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसको सुनेंगे, तो झूम झूम उठेंगे। अल्लाह तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी महफिलों में, जब वो महफिलों में होते हैं तो कोई उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता, कोई उनकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता, और जब लोग वो लोग महफिलों से चले जाते हैं तो फिर उनको कोई तलाश नहीं करता, और जब वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई कसम खा लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस कसम की लाज रख लेता है, यानी लोग उनको काउंट नहीं करते, लोग नहीं समझते कि ये इस्लाम का कोई काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम कर रहे होते हैं। इस उम्मत को, इस्लामी तहरीक को, वो लोग जो इस्लाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हमें गुमनाम बनकर काम करना है, हमें किसी नाम के लिए काम नहीं करना है, हमें किसी नुमाइश के लिए काम नहीं करना है, हमें किसी के सामने हाईलाइट होने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए काम करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कल इंशाल्लाह MBBS का एंट्रेंस होने वाला है, और उस एंट्रेंस में बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग आते हैं, तो जितनी देर वो अंदर बैठते हैं हम लोग उनके पास जाते हैं और उनको इस्लाम के बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें बताते हैं और उनके दरमियान कुछ इस्लामिक लिटरेचर तकसीम करते हैं।
तो आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि वो आशीष भाई जैसे लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचाएं? माशाल्लाह, तो जितने भी लोग ये चाहते हों कि वो आशीष भाई जैसे लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचाए, तो कल इंशाल्लाह सुबह 8:30 बजे वो हमें एसजेड हॉल की मस्जिद में मिले। मैं रिपीट करूंगा, कल सुबह 8:30 बजे एसजेड हॉल की मस्जिद में वो हमें मिले। इंशाल्लाह हम निकलेंगे और जो गैर मुस्लिम एग्जाम सेंटर्स के बाहर बैठे होंगे, हम उनसे इस्लाम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर उन तक इस्लाम की दावत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम जो आपके सामने पेश किया गया था, ये स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू की जानिब से पेश किया गया था। स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू एक तलबा तंजीम है जो कैंपस में पिछले 5 साल से काम कर रही है, और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे तरबियती नवीयत के होते हैं जिसमें हम कुरान का इज्तिमाई मुताला करते हैं, और दूसरा प्रोग्राम जो होता है उसको हम DTP कहते हैं, यानी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जो तलबा यहाँ पे पढ़ते हो